नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आईना दिखाऊंगा आपकी खुद की जिंदगी का। अब हो सकता है कि इस समय आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली आप अपनी जिंदगी में फेल हो रहे हैं, बल्कि हर फील्ड में फेल हो रहे हैं, बल्कि जो आप रिजल्ट्स चाह रहे हैं उसका बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट मिल रहा है। और इसी की वजह से आप मैनिफेस्टेशन में यकीन अब नहीं करते हैं। आपको लगता है ये सब बकवास है क्योंकि आपको हर टेक्निक पता है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे, आपने काफी मेहनत की है, बट रिजल्ट में आपको सिर्फ फेलियर मिल रहा है, आपको बिल्कुल विपरीत ऑपोजिट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको डिटैचमेंट समझना जरूरी है। कैसे डिटैच होके जो आउटकम आप चाह रहे हैं इस लाइफ से, उससे डिटैच होके आप कैसे वो चीज और अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे मुझे डिटैच होना है जिससे कि वो रिजल्ट मुझे मिले और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जिंदगी में खुश रहें। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो रहे हैं, और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डिटैचमेंट हमको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है जिससे कि मैं एक्चुअल में वो चीज मैनिफेस्ट कर पाऊं अपनी जिंदगी में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। प्लस आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन लाइव है, अगर आपको नहीं पता है तो। ये तो सिर्फ एक छोटा सा सारांश है, छोटा सा पार्ट है। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन इतना बड़ा कोर्स है जिसमें हर चीज ढंग से बताई है, तो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपका मन करे तो ज्वाइन करिए, वहां पर हर चीज अवेलेबल है। तो हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं पर तब भी मैं फेलियर का सामना मुझे करना पड़ रहा है, बल्कि जो मैं चाहता हूं उसका बिल्कुल विपरीत रिजल्ट मिल रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हमको यूनिवर्स को समझना पड़ेगा, हमको इस ब्रह्मांड का रूल समझना पड़ेगा। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये एक बहुत बड़ा आईना है, एक बहुत बड़ा शीशा है, और शीशे में क्या होता है कि जैसे हम होते हैं वैसे ही रिफ्लेक्शन वापस हमको मिलता है। और हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो इंसान हैं, वो एक ह्यूमन ट्रांसमीटर है। ह्यूमन ट्रांसमीटर किस में वर्क करता है? फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है, वाइब्रेशन में वर्क करता है। और ये ब्रह्मांड भी पूरा वाइब्रेशन पे ही वर्क करता है, यानी कि जिस तरह की मैं वाइब्रेशन दूंगा उस तरह का ये जो यूनिवर्स है वही रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आईना है, वही चीज वापस मेरी लाइफ में मुझे वापस देगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल देकर आपको ढंग से समझाऊं, तो लेट्स से कि आपको एक लड़की बहुत पसंद है, आप उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैसेज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ आर यू, खाना खाया, एक्स वाई जी, और आप पीछे पड़ गए। आपने नोटिस किया होगा, हो सकता है आपकी लाइफ में हुआ हो या आपके दोस्तों के लाइफ में हुआ, कि जितना ज्यादा आप उसके पीछे भाग रहे हैं वो पर्सन और उतना दूर चला जा रहा है आपसे, और भाग रहा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, आपको ब्लॉक कर दे रहा है। ये क्यों हो रहा है? आप समझ रहे हैं बात को? ये क्यों हो रहा है? ये बल्कि हर फील्ड में हो रहा है, चाहे वो आपकी नौकरी में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो आपकी हेल्थ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, हर चीज में हो रहा है कि जिस चीज के पीछे आप जबरदस्त तरीके से भाग रहे हैं वो चीज और आपकी जिंदगी से दूर होती चली जा रही है। कभी आपने सोचा है? आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, तब भी आप फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं इस यूनिवर्स के रूल को। यूनिवर्स का रूल क्या कहता है? कि जिस तरह की फ्रीक्वेंसी, जिस तरह की वाइब्रेशन आप दोगे मुझे, मैं वही चीज आपको वापस लौटाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप इस समय कैसी वाइब्रेशन दे रहे हैं? लैक की दे रहे हैं, कि अभी मेरे पास वो नहीं है, अभी वो मेरे पास पर्सन नहीं है, अभी मेरे पास वो नौकरी नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, और इसीलिए मैं खूब मेहनत कर रहा हूं, मैं खूब लगा हुआ हूं, और जब तक मुझे वो चीज नहीं मिलेगी तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा, तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा, और उसी की वजह से वो चीज और दूर होती चली जा रही है। बात समझिए मेरी, इस समय आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या मेहनत करना गलत है। बिल्कुल भी नहीं। मेहनत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चीज को मैनिफेस्ट करने का, बट सिर्फ वही नहीं है। असली जंग चल रही है यहां पे, असली लड़ाई चल रही यहां पे, और जिसने यहां पे लड़ाई जीत ली उसने पहली बात तो हर चीज हासिल कर ली। जब आप अंदर से ही अनवर्दी फील कर रहे हैं कि जब तक वो पर्सन मेरी जिंदगी में नहीं आएगा तब तक मैं खुश नहीं रहूंगा, जब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तब तक मैं खुश नहीं रहूंगा,
तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो यूनिवर्स है वो आपको वापस ला के देगा वो चीजें। मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, बट मेहनत करने से सक्सेसफुल नहीं होता इंसान। क्योंकि अगर मेहनत करने से ही इंसान सक्सेसफुल होता तो बेचारे जो रिक्शे वाले हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो पत्थर तोड़ रहे हैं इतनी गर्मी में, 12-12, 13-13, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता है। बट उनकी जिंदगी क्या है? सबसे ज्यादा संघर्ष उन्हीं की जिंदगी में चल रहा है। आप मेरी बात समझिए, राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी बहुत जरूरी है, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे मेरा माइंडसेट कैसा है। अगर मैं ही अपने अंदर अनवर्दी फील कर रहा हूं कि मैंने अपनी सारी खुशियां उस आउटर वर्ल्ड में देख के रखी हुई हैं कि जब तक ये चीजें मुझे मेरी जिंदगी में नहीं मिलेंगी तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा, तो क्या मैं यूनिवर्स को दे रहा हूं, मैं कैसी वाइब्रेशन दे रहा हूं? मैं वाइब्रेशन दे रहा हूं लैक की, मैं वाइब्रेशन दे रहा हूं नेगेटिविटी की, मैं वाइब्रेशन दे रहा हूं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मैं अंदर से डरा हुआ हूं कहीं वो चीज मुझे ना मिली तो। और यूनिवर्स एक बहुत बड़ा शीशा है, और जैसा आप वाइब्रेशन दे रहे हैं वही चीज आप वापस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया है आपका माइंडसेट ऐसा ही है? आपने खूब मेहनत की होगी किसी एग्जाम के लिए, घंटों घंटों लगाए होंगे, पर तब भी आप फेल हो गए होंगे क्योंकि आपका माइंडसेट ही गड़बड़ था, आपके अंदर डर भरा हुआ था, आप यूनिवर्स का रूल को समझ ही नहीं पाए। आपको लगता है कि ऊपर वाला मेरे साथ गलत करता है, मैं इतना मेहनत करता हूं, मैं इतना अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है? यूनिवर्स का रूल सबके लिए एप्लीकेबल है। आप अपने अंदर झांक के देखिए, आपके जो इनर वर्ल्ड है, अंदर की दुनिया है, उसमें ही कितना खोखलापन है। आप गलत चीज ही वाइब्रेट कर रहे हो, और जब आप गलत चीज वाइब्रेट करोगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो फल आपको मिलेगा। आपको फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा, अगर फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी मेहनत की है कि नहीं की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट टू, कि हमको डिटैचमेंट पाना करना बहुत जरूरी है। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने गोल्स, मेरे अपने सपने, उनको मैं बिल्कुल छोड़ दूं। नहीं, आपको उनको याद रखना है, समझना है, बट अपनी वाइब्रेशन को सही करना है, अपनी वाइब्रेशन को अलाइनमेंट करना है कि अगर वो इंसान मुझे नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूं, और पीछे पीछे मैं कैसे भाग रहा हूं? दुखी दुखी मोमेंट के साथ, नेगेटिविटी के साथ, तो वो पर्सन और दूर भागेगा। आपको पहले अपने अंदर की खुशियों को ढूंढना पड़ेगा, आपको पहले खुद को जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने अंदर हैप्पीनेस पैदा करनी पड़ेगी, और हैप्पीनेस हम कैसे पैदा कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड के साथ, शुक्रियादा के साथ। कैसे? जो चीजें हैं मेरे पास। हाँ, हो सकता है इस समय मेरे पास एक छोटा सा, एक नॉर्मल सा फोन हो, आने वाले टाइम में एक महंगा सा आईफोन मांग रहा हूं, बट क्या मैं शुक्रियादा कर रहा हूं उस फोन के लिए जो है मेरे पास? अरे, लाखों लोगों के पास तो फोन तक नहीं है, आपके पास तो एक फोन है, उसके लिए शुक्रिया अदा किया है आपने। एक छोटा सा मकान है, उसके लिए शुक्रिया अदा किया है। हाँ ठीक है, आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा महंगा मकान खरीदना, बट जो चीज अभी है उसके लिए शुक्रिया अदा आप नहीं करोगे तब तक आप डिटैच नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक मैं वो मकान नहीं खरीदूंगा, वो बड़ा सा मकान नहीं खरीदूंगा, तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा, तब तक मैं खुश नहीं रहूंगा। और बिलीव मी, इस तरह के माइंडसेट से आप वो कभी मकान नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि वो मकान, वो मैनिफेस्टेशन और दूर होता चला जाएगा, आपकी जिंदगी में और संघर्ष आएंगे, और स्ट्रगल आएगी, और पैसे नहीं कमा पाओगे। डिटैचमेंट के लिए हमको एक बैलेंस लाइफ रखनी बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे पता है कि आपका एक सपना है, एक गोल है जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में प्राप्त करना। आप उसके बारे में सोचिए, आप लिखिए उसके बारे में, आप एफर्मेशंस यूज करिए, आप विजुलाइज करिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करिए, बट उसको इतना मत हावी होने दीजिए कि आप दिन भर की 15-20 मिनट के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, और बाकी के जो 23-22 घंटे हैं उसमें आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। जब आप यही दिन भर सोचोगे तो आप क्या वाइब्रेट कर रहे हो? वही नेगेटिविटी, और वहीं से नेगेटिविटी वापस आ रही है। तो एक बैलेंस लाइफ रखनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज नहीं है मेरे पास तो किसी और सेक्टर में मेरे पास वो चीज है। हो सकता है मेरे पास पैसों की कमी हो, बट मेरा एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा छोटा सा खानदान है, राइट? वहां पे लोग मुझे प्यार करते हैं, तो अगर मैं उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं तो धीमे धीमे मेरे अंदर हैप्पीनेस आ रही है, मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड आ रहा है। तो जो बाकी के जो सेक्टर हैं जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं, जो है पैसा फॉर एग्जाम्पल, तो वो धीमे धीमे ग्रो करने लग जाएगा। हमारा फोकस ही गलत है। जहां पे मेरा फोकस होता है वो फूल की तरह खिलता है। आज से आपको डिटैच होना है विद द इंटेंशन ऑफ नेगेटिविटी, और आपको अपने आप को जानना है कि मैं कैसा फील कर रहा हूं।
जब भी गलत और नेगेटिव फीलिंग आए उसको हटा देना, उसको माइंड सेट से निकाल देना, डिटैच कर देना उसको, और शुक्रिया अदा करना जो चीजें हैं आपके पास। विद द हेल्प ऑफ डिटैचमेंट आप जानोगे कि अब मेरे से जो गलतियां हो रही थी अब मैं नहीं करूंगा, और अब जब भी मैं स्टेप्स लूंगा, जब भी मैं मेहनत करूंगा तो उसमें मैं सक्सेसफुल जरूर होऊंगा, और जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का ये रूल है कि जैसी मैं वाइब्रेशन दूंगा वही चीज मुझे वापस टकराएगी। तो अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी मदद की होगी सोचने में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर। चीयर्स। बाय बाय।